रेड स्नेक डियोर 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 पूरी बिता रहे एक रेड स्नेक है रेड स्नेक रेड स्नेक बोलता है, हिंदी में धामन धामिन और इधर गोवा में इसको दियोर बोलता है। एक नॉन वेनमस स्नेक होता है, इसमें वेनम नहीं होता है, जो पॉइजन बोलते हैं पॉइजन है, इसलिए वेनम होता है, वेनम नहीं होता है। ये जल्दी काटता भी नहीं, ये सिर्फ ऐसा चूहा हुआ खाने के लिए घर में आता है। अगर गलती से काट भी ले तो इससे कोई नुकसान नहीं है, घबराने का नहीं कि कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। घर में रहा, घर के आसपास तो अच्छा है। ये चूहों को भी खाता है, दूसरे छोटे सांप के बच्चों को भी खा जाता है वो, तो घर के आसपास रहता है उतना अच्छा है। लोग सिर्फ डर जाते हैं इसके लिए, बोलते हैं लेके जाओ, और जो लोग जानते हैं इसके बारे में वो हमें बोलते हैं घर के आसपास ही छोड़ दो। तो अभी अगर आप कहेंगे तो हम इसे लेके जाएंगे, नहीं तो बाहर कहीं छोड़ देंगे। नहीं, लेके जाओ, लेके जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सांप को पहचानने के लिए बताता हूँ। अब ये सांप को कैसे पहचाना कि ये दियोर है, रेड स्नेक है। इसका आप देखो, ये पूछ है ना, इसका पूछ पे ब्लैक और ब्राउन ऐसा नेट टाइप डिजाइन है। अगर अगर सांप रहता ना कोबरा, तो उसका एकदम एक कलर रहता था, ऐसा डिजाइन नहीं रहता था उसके ऊपर। और इसका ये लंबा होता है, ये देखो टेल भी लंबा होता है, और जो इसका गर्दन है वो सिर वो बारीक होता है। अगर इतना बड़ा कोबरा रहेगा ना तो उसका सिर इतना मोटा रहेगा। तो ये दो तीन सांप की पहचान है। और इसका देखो, इसका मुंह के ऊपर है ना वो ब्लैक लाइन, ऊपर नीचे दोनों है, देखो। ये इससे पहचान होता है, ये रेड स्नेक है, धामिन दियोर। कोबरा को ऐसा पैटर्न नहीं रहता है। ये नॉन वेनमस है, इससे कोई भी नुकसान नहीं। इसके लिए हमने इसको ऐसा हाथ से पकड़ा, अगर कोबरा रहता तो हम उसको स्टिक से पकड़ते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आपने देखा हमने एक रेड स्नेक का रेस्क्यू कैसे किया। वो एक घर के किचन में था, सिलेंडर के पीछे हमने उसका रेस्क्यू किया, और अभी हम यहाँ रिलीज़ करने आए हैं। तो रिलीज़ करने टाइम मैं और प्रलय आ रहे थे, और हमें साथ में हमारे फ्रेंड मिले, ये कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, गुंडप्पा भाई है, और आपका नाम राघू, ये टीचर है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें भी जानवरों से बहुत प्यार है। तो इनके लिए हमने इसे सोचा, चलो हम जब स्नेक रिलीज करने आए तो उनको भी अपने साथ लाए, और उनके हाथों से हम अभी ये रेड स्नेक को रिलीज करवाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में।
तो देख सकते हैं अभी हमारे गुंडप्पा सर अब उसके हाथ में ये रेड स्नेक है। एक नॉन वेनमस स्नेक होता है, इसमें किसी भी तरह का प्रकार का कोई वेनम नहीं होता है और ये घरों के आसपास रहते हैं तो उतना अच्छा है। ये ज़्यादातर चूहों को खाते हैं और हमारे घर के आसपास से चूहों की सफाई करते हैं। तो चलिए अब हम इसे यहाँ रिलीज़ करते हैं। मैं कहूँगा इधर आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटे का निशान दबा दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे फ्रेंड्स को जो आज स्नेक रिलीजिंग में हमें मदद किए। तो इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में फिर किसी स्नेक फिर किसी दूसरे जानवर के साथ उनकी जानकारियों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।